हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंस की जनरल साइंस सेकंड क्लास। तो जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले फर्स्ट क्लास देखे, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी एक्सप्लेन की गई हैं मोशन चैप्टर की। और अगर आपने डायरेक्ट सेकंड क्लास देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। सो आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखें। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज़ दिए थे, तो उसका आंसर्स क्या है यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। विच क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन, स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन ऑफ दिस। ये हमने पहले पढ़ा था। डायरेक्शन किस में होती है? वेक्टर क्वांटिटी में होती है। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ओडोमीटर। बैरोमीटर होता है प्रेशर मेजर करने के लिए। स्पीडोमीटर होता है स्पीड को मेजर करने के लिए। एंड एमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओडोमीटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें टाइम भी एक स्केलर है, वर्क, वॉल्यूम। यहाँ पे टॉर्क है जो कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या होता है? जैसे कि हम करते हैं इस पे ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस पे फोर्स लगती है। मतलब इसमें एग्जांपल आ जाती है जैसे हम डोर अपने ओपन या बंद करते हैं ना, जो साइड पे हिंजेस लगे होते हैं जिससे डोर ओपन या बंद होता है। तो वो क्या कर रही है? एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है वर्टिकल। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी नहीं है? इसमें डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फर्स्ट क्लास में मैंने जितना भी करवाया वो सब एग्ज़ाम्स के रेलिवेंट है, तो उसमें से कुछ भी मिस मत करना। खासकर जो एग्जाम्पल्स हैं उसे अच्छे से पढ़ लेना ना। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, इनमें से हैंड स्पैन, मीटर, लीलोमीटर सभी लेंथ के यूनिट हैं। किलोग्राम है जो कि लेंथ का यूनिट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव। वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जिसको ये समझ नहीं आए कि ये एमसीक्यूज़ में ये आंसर्स कैसे आए हैं तो वो जाके फर्स्ट क्लास देखे पहले, क्योंकि वहाँ पे सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो नाउ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले इक्वेशंस हैं। इसमें तीन इक्वेशंस इक्वेशंस हैं मोशन की। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं मोशन की। तो यहाँ पे u क्या बताया जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई गाड़ी व्हीकल मूव कर रहा होता है, तो जब वो स्टार्ट करता है चलना तो उसमें सबसे पहले जो उसकी स्पीड होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। और जब वो रुक जाता है, मतलब कुछ टाइम तक चलने के बाद वो रुक जाता है, उसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे इसमें डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया है। टी टाइम है। ए एक्सेलरेशन है इफ़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में जब भी कोई पॉजिटिव चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम ए लेते हैं। और जब वो डिक्रीज करती है तब हम उसको -a लेंगे। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कब यूज़ करते हैं? मान लो हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी स्काई की तरफ, तो वहाँ से वो नीचे, मतलब कुछ दूर जाने के बाद वो वापस से नीचे गिर जाएगी। वो नीचे क्यों गिरेगी? क्योंकि जो हमारी अर्थ है ये ग्रेविटी उस पर अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जितनी भी चीज़ें होती है वो अपनी तरफ खींचती है, तो वो ग्रेविटी एक्ट करती है उस पर। तो इसलिए इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू क्या है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी से डिनोट करते हैं और 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। नो अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें इनमें, तो इसमें सबसे फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आता है। जो इसका ये जो बीच में लाइन दी गई है ना, ये वाली, ये इसे हम स्लोप बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये स्लोप क्या देती है हमें? स्पीड देती है। स्पीड मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे ही हम टाइम के साथ साथ आगे जाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब जो डिस्टेंस है कहीं जाने का वो भी बढ़ रहा है। मान लो जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये वैल्यू है, 1 2 3 ये वैल्यू है। जिस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अगर हम 1 सेकेंड में कहीं पहुँच रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 1 होगी। अगर हम 2 मिनट्स में कहीं पहुँच रहे हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 होगी, 3 में 3 होगी। इस तरह से वो भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा है उस तरह से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगी। ओके, आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। वो रिप्रेजेंट करती है स्पीड। और ये भी दे सकते हैं कि वो किस तरह की लाइन शो करती है। वो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है। ओके, नाउ सेकेंड ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ हैं। सबसे पहला ग्राफ इसमें कौन सा है कि इसमें वेलोसिटी टाइम में इसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी चीज़ की। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी स्पीड जो होगी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। हम चाहे जितने मर्जी टाइम लगा लें, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड अगर हम मान लो कोई भी गाड़ी की स्पीड अगर हम स्टार्टिंग से 60 किलोमीटर पर और रख रहे हैं तो वो हर टाइम जितने इंटरवल होगा टाइम का तो उसमें 60 किलोमीटर पर और ही रहेगी, वो चेंज नहीं कर रही है। तो क्या होगा, इसकी स्पीड सेम कांस्टेंट रहेगी। कैसे? जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये मैंने बता दी ऑर्स, और इनकी स्पीड जो है यहाँ पे 30 मान लो 30 किलोमीटर पर और है। जब 1 और हुआ तब भी स्पीड 30 थी, जब 2 और हुआ तब भी 30 रही, और जब 3 और हुआ तब भी 30 रही। ओके, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा हमारे पास ये पैरेलल लाइन आएगी। हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं कि इसकी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो हम बताएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइन शो करता है वो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आ जाता है कि हम एक टाइम इंटरवल में मतलब सेम वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। जैसे हमेशा हम 2 2 ऐड करते रहेंगे या 1 1 ऐड करते रहेंगे। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ गया, जैसे अगर 1 और 2 और 3 और की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर और, 20 किलोमीटर पर और, 30 किलोमीटर पर और की स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 1 और में वो 10 किलोमीटर पर और की स्पीड से मूव करती है। जब वो 2 किलोमीटर में जाएगी 20 किलोमीटर पर और से। जिस तरह से वो डॉट्स बनेंगे जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। नाउ थर्ड ग्राफ आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट हमें ये नहीं पता कि वो कितनी चेंज हो रही है। मतलब अगर एक वाले में वो 2 किलोमीटर पर और चेंज हो रही है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाले में 4 हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देके मानूँ कि कोई भी बॉडी है, मतलब व्हीकल है, गाड़ी है, बस है, वो पहले चल रही थी 20 किलोमीटर पर और की स्पीड से। जब हमने सेकंड 1 घंटे के बाद देखा तो वो 40 किलोमीटर पर और की स्पीड से चल रही है। जो हमने 3 घंटे के बाद देखा तो वो 42 किलोमीटर पर और की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं है जो वो हमेशा चेंज करती है। जैसे पहले यूनिफॉर्म में हमने देखा था कि वो हमेशा अगर +2 ऐड कर रही है तो हर किसी में +2 ही स्पीड इंक्रीज़ करेगी। ओके ना, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक में +2 इंक्रीज़ की, हो सकता है दूसरे वाले में +4 कर दे, हो सकता है तीसरे घंटे में वो -2 कर दे। मतलब उसको कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो कितनी चेंज कर रही है। और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में होती है, मतलब वो माइनस कर रही है, अपनी स्पीड कम कर रही है, तो वो हमेशा इस तरह से कर्व्ड लाइन शो करेगा वेलोसिटी से लेके यहाँ पे। मतलब जब वो 1 घंटे में था तो उसकी स्पीड मान ली हमने यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर थी। जब हमने सेकेंड आवर में देखा तो उसकी स्पीड कितनी रह गई थी, 50। थर्ड आवर में देखा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 0। तो इस तरह से जब कोई भी बस जो है वो अपनी स्पीड कम करती है तब हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, ना अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन के लॉज में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, और ये हमें डेफिनेशन देता है फोर्स की। मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो डेफिनेशन जो है फोर्स की वो कौन देता है, वो देता है फर्स्ट लॉ। और जो मेजरमेंट है फोर्स की वो कौन देता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप इट इन माइंड। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या स्टेट करता है, ये बोलता है एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई टू इट। मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव करी है तो वो मूव करती ही जाएगी, जब तक कोई उसको फोर्स ना लगाएगा, उसको बंद नहीं करेगा कि रुकने के लिए नहीं बोलेगा। जैसे अगर बस मूव कर रही है तो जब तक कोई भी, जैसे ड्राइवर जो है वो क्या उस पर ब्रेक नहीं लगाएगा तो वो रुकेगी नहीं, वो हमेशा चलती रहेगी। मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है ना उसको रोकने के लिए। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, चेयर है, चेयर को हम एक जगह रख देंगे तो वो रेस्ट पे है, वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई दूसरा पर्सन आके उसको हटाएगा नहीं, वहाँ से कोई हिलाएगा नहीं। इसका यही मतलब है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मूव करिए मूव करती रहेगी जब तक कोई इस पर फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल क्या है, पर्सन सिटिंग एंड मूविंग कार फॉर, ये इनर्शिया के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया 2 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो उसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई पर्सन मूव करता है, जैसे कार में बैठा हुआ है और वो मूव कर रहा है, जैसे वो मूव करेगी कार तो क्या होगा, जो पर्सन के पाँव हैं वो कार के साथ टच में है, कार मूव करना शुरू करेगी, मतलब कि वो मोशन में है, तो जो पाँव हैं उसके, फुट हैं पर्सन के, वो भी मोशन में रहेंगे, लेकिन जो उसकी बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में है, तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहती है। तो इससे क्या होता है कि वो अचानक से आगे की तरफ धक्का लगता है। जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जितने पैसेंजर्स होते हैं उनको आगे को धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो अपर बॉडी है वो अपने आप को इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रखना चाहती है, वो हमेशा रेस्ट में ही रखना चाहती है, उसका तालमेल नहीं बनता, तो इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन है, जब गाड़ी मोशन में होती है तो हमारे पाँव भी मोशन में होते हैं, हमारी अपर बॉडी भी मोशन में होती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे जाके रुक जाती है तो हमारे पाँव उसी के साथ वहीं पे रुक जाते हैं, तो लेकिन हमारी बॉडी अभी भी मूव कर रही है। तो मूव करने से क्या होगा, उसको क्या होगा, आगे की तरफ धक्का लगेगा जिससे वो रुक जाएगा। मतलब उसमें क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ यही बताया जाता है मैक्सिमम, और इसमें क्वेश्चन यही आता है कि फोर्स डेफिनेशन जो है फोर्स की वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में दी थी, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। और एवरी बॉडी जो कि रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है, जब भी मूविंग कार में कोई पर्सन बैठा होता है तो उसे आगे की तरफ धक्का लगता है, जब भी ये कार जो है वो रुकती है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। नो सेकेंड है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये मेजरमेंट देता है फोर्स की, कि फोर्स को किस तरह से मेजर किया जाता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास और एसिलेशन में पीछे फर्स्ट क्लास से समझा चुकी हूँ, जिससे ये अभी समझ नहीं आ रहा वो पहले जाके फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि इसके बाद ही ये समझ आएगा। फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन मास इनटू वेलोसिटी है, ऐसा यूनिट है। फोर्स का न्यूटन, न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के इक्वल भी होता है। ये कैसे हुआ? जो मास है फोर्स में, जो मास है फोर्स कितनी होती है 1 न्यूटन, और ये बन जाता मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी जो मास है, मास आएगा केजी में और एक्सेलरेशन आ जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसलिए 1 न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर में भी बोलते हैं। इसका सीजीएस यूनिट आ जाता है डाइन। 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के इक्वल है। इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, मतलब जब हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए तो उसे इम्पल्स बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, जब हम सारे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में क्या होता है जब भी कोई कैच आता है, कैच में क्या करते हैं जैसे ही बॉल वो कैच करते हैं तो उसके बॉल के साथ साथ अपना हाथ भी वो नीचे की तरफ करते हैं, बॉल के साथ साथ हाथ भी नीचे की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से जो बॉल का मोमेंटम है, मतलब जिस तरह से कितनी भारी बॉल है उसके साथ कितनी स्पीड से वो आ रही है, अगर हम उसे डायरेक्ट कैच कर लेते हैं तो हाथों में लग सकती है। इसलिए वो बॉल जो भी, मतलब वो क्या करते हैं अपने बॉल को, जो कोई भी कैच करता है तो वो अपने हाथ को बॉल के साथ ही नीचे ले आता है, जिससे जो मोमेंटम है वो थोड़ा उसका कम हो जाता है और इम्पल्स, इसी रिएक्शन को हम इम्पल्स बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी फोर्स लगाई जाती है थोड़े टाइम के लिए। ओके ना, ये जितना कुछ भी है ये सारा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जितनी भी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए इन सबको अच्छे से समझना। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है, सीजीएस डाइन है। ओके ना, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बताया गया है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, कोई भी हम एक्शन करते हैं उसका उतना ही अपोजिट रिएक्शन मिलता है। अगर हम बॉल लेते हैं, जितनी ज़ोर से दीवार पे फेंकेंगे वो उतनी ज़ोर से वापस आएगी। ओके, ये इसकी एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम रिकॉइलेशन ऑफ गन लेते हैं। रिकॉइलेशन ऑफ गन का मतलब कि जैसे ही हम फायर करते हैं गन से तो उतना धक्का हमें पीछे की तरफ भी लगता है, तो उसी को रिकॉइलेशन कहते हैं। सेलिंग ऑफ बोट, इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से जो उसके वो होते हैं जिससे हम पीछे की तरफ करते हैं पानी को। ओके, जितनी फास्ट हम बोट के जो व्हील उसको हम पीछे की तरफ करेंगे उतनी ही फास्ट हमारी बोट आगे जाएगी। रॉकेट लॉन्च का भी यही है। एंड स्विमिंग, स्विमिंग में भी हम जितने फास्ट अपने हाथ चलाएंगे, जैसे हम हाथ अपने बैकवर्ड की तरफ पुश करेंगे और तो हमें जो पानी है उससे हमें आगे की तरफ पुश मिलेगा। ओके, तो ये सारे न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्ज़ाम्स में क्या आ सकता है कि किस तरह से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि बताओ इसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इन सभी में सिर्फ आपको मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल्स ही दी जा सकती हैं कि कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें बताओ कौन सा वाला लॉ फॉलो किया जाता है। ओके ना, आज के लिए हमारा बस इतना ही टॉपिक था, तो इसे आप ध्यान से करिए। कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें आप वीडियो देख के तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखें। इसका आंसर्स मैं आपको सेकंड वीडियो में आपको दूंगी, थर्ड वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट क्या है? लॉ दैट गिव्स अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन फोर्स की कौन देता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड, मोमेंटम ऑफ टॉय बस ऑफ 0.02 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है कि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको ये 0.02 kg क्या दिया गया, मास दिया गया, इसकी वेलोसिटी दी गई है। आपको इसको देख के फाइंड करना है मोमेंटम का और आंसर लिख देना है। इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इंटू टाइम, मास इंटू वेलोसिटी, v माइनस u by t. okay, now fourth question is an athlete can take a longer jump if he comes running from a distance as compared to that when he jumps suddenly. Identify the type of inertia. इसमें कौन सा inertia use होता है? Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction and inertia of position. A and B are two objects with masses 100 kg and 75 kg respectively. Then both will have the same inertia. B will have more inertia. A will have more inertia. Both will have less inertia. ये आप इस चीज का इसे सॉल्व करें. तो आज के लिए बस इतना ही था. आप वीडियो देखें और एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें. कोई भी डाउट है तो उसकी क्वेरी भी कमेंट बॉक्स में लिखें. तो थैंक यू फॉर टुडे.